जनाब अली खुश आमदेद कहते हैं आपको डब्ल्यू बी भाई हमानी शान एल में, यानी कि हमारे शहर के क्विज के मुकाबले में। डब्ल्यू बी भाई हमानी एक वाइड रेंज है हर्बल नेचुरल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की, और हमने अपना नया परफ्यूम बनवान मासूमाना सवाल भी लॉन्च कर दिया है। और हमारे तीनों कंटेस्टेंट, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजे। तो हमारे तीनों कंटेस्टेंट भी हमारे साथ हैं। जो विनर होगा वो अगले राउंड के लिए क्वालिफाई करेगा। जो फाइनल का विनर है डब्ल्यू बी भाई हमानी की जानिब से, वो 3 लाख रुपए कैश प्राइस जीत सकेगा, जो अगले राउंड के लिए क्वालिफाई करेगा। 3 राउंड्स हैं और आप लोगों को रूल्स एंड रेगुलेशंस मालूम ही है, एहतियातन जरा बजर बजा के तसल्ली भी कर लीजिए। पहला राउंड बजर राउंड है, सही जवाब पे +10, गलत जवाब पे -10 है। सही जवाब पर भरपूर तालियां बजाकर आपकी हौसला अफजाई करेंगे, और अगर जवाब गलत हुआ तो हम किस तरह करेंगे, क्या करेंगे -10 के साथ? जनाब एक दफा तालियां बजा दे ताकि हम मुकाबले का कर लें बाकायदा तौर पर आगाज। चले जनाब, सर एक टर्म है SNGPL, एस पाकिस्तान का एक इदारा है SNGPL, कोई बता सकता है किससे क्या मुराद है? जी सर, सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन। सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन लिमिटेड, सही है जवाब। ऑलराइट, ठीक है, मैं आपको दो ऑप्शंस दे रहा हूं, 50% या 155%। ये सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन लिमिटेड ने किसने एन है? जी जी, 155% कीमतों में इजाफे की तजवीज दी गई है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सही है, सही है। 100, अब इसमें तो तालियां क्या बजाएं, इसमें तो सही बात है, जवाब ठीक है, लेकिन बस काश ये जवाब ठीक ना होता। और ये जो सिफारिश की है इन्होंने गैस की कीमतों में इजाफे की, ये साल में दूसरी मरतबा की है या एक ही साल में तीसरी मरतबा गैस में की कीमत में? साल में तीसरी मरतबा कीमतों में इजाफे की है। इस पर हम एहतजाजन तालियां नहीं बजाएंगे बल्कि उनके लिए ताजियत करेंगे, कह रहे हैं, लेकिन आपको नंबर देंगे हम, चूंकि आपने सही बताया। यानी अगर ये सिफारिश मंजूर हो गई, अगर तो जिस सारिफ का गैस का बिल पहले 100 रुपये था वो 600 रुपये ऑलरेडी हो चुका है, 100 रुपये वाले का 600 हो चुका है। अगर ये मंजूर हो गई तो जो 100 रुपये वाला था जिसका 600 ऑलरेडी हो चुका है वो 1500 हो जाएगा अगर ये मंजूर हो गई। तो भाईजान थोड़ी सी मेहरबानी करें, मुझे लफ्ज़ तो इससे ज़्यादा सख्त आ रहा है लेकिन चले मैं यही कह लेता हूँ, लेकिन वो जो ख्वाजा आसिफ ने कहा था ना कि कोई वो होती है और कोई वो, थोड़ी सी मेहरबानी करें। अच्छा जनाब, SNGPL ने सिफारिश की है ओगरा से, ओगरा एक इदारा है पाकिस्तान का, OGRA, ओगरा यानी ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी। बिल्कुल सही जवाब, ऑलराइट, ठीक है। और एक इदारा है पाकिस्तान का पेमरा, PEMRA, पेमरा यानी जनाब पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी। बिल्कुल सही जवाब, जबरदस्त, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। सर दरियाए सिंध या दरियाए पंजाब, पाकिस्तान का सबसे लंबा दरिया कौन सा है? बी, जी सर, दरिया सिंध। ऑफ कोर्स दरिया सिंध, सही जवाब, 30 और 30 बराबर हो गए। तकरीबन, नॉट एग्जैक्टली, तकरीबन 3200 किलोमीटर या तकरीबन 5000 किलोमीटर? बी अगेन, 3200 किलोमीटर, सही है, 3180 किलोमीटर लंबाई है। बिल्कुल सही है। सर दरियाए काबुल या दरियाए नील, दुनिया का सबसे बड़ा दरिया? सर दरियाए नील, बिल्कुल सही जवाब, ऑलराइट। दरियाए सिंध है तकरीबन 3200 किलोमीटर, दरियाए नील है तकरीबन, नॉट एग्जैक्टली, 6700 किलोमीटर या 8700 किलोमीटर? 6700 किलोमीटर, बिल्कुल सही जवाब, ऑलराइट, जबरदस्त, क्या बात है। ओके जनाब, एक आवाज आएगी आपके कानों में, जरा सुनिए फिर मैं सवाल करता हूं, उससे पहले आवाज सुनिए। जी क्या कहने पहला सवाल यह है कि इस कलाम का टाइटल क्या है, ये कौन सा कलाम पढ़ा जा रहा है? जी मैं तो पंजतन का गुलाम, सही जवाब, ओके जबरदस्त। अगला सवाल यह है कि पंजतन, पंजतन से मुराद जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और चारों खुलफाए राशिदीन। गलत हो गया जवाब, पंजतन सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हजरत अली, हजरत फातिमा सलाम अलैहा, हसनैन करीमैन और सरकारे दो आलम, ये गलत हो गया आपका जवाब। अच्छा जनाब, ये जो मशहूर जमाना कलाम है
इसके शायर कौन है? मैं ऑप्शंस देता हूं, इसके शायर हैं अदीब रायपुरी साहब या इसके शायर हैं जनाबे यूसुफ कमर साहब? जनाब अदीब रायपुरी। अदीब रायपुरी साहब, गलत हो गया आपका जवाब। मैं कमर हूँ शायर बेनवा, मेरी हैसियत ही भला है क्या, वो है बादशाहों के बादशाह, मैं हूँ उनके दर का बस एक गदा, मेरा पंजतन से है वास्ता, मेरा नस्बतों का है सिलसिला, मैं फकीर खैरुल अनाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। जनाब, और किसकी आवाज? फसीउद्दीन सोहरावर्दी। दिखाइए जरा जनाब, क्या कहने है? आपका जवाब बिल्कुल सही है, 10 नंबर ऐड होंगे फसीउद्दीन सोहरावर्दी साहब। सो आज है 15 रमजानुल मुबारक, पंजतन में से सी हजरत हसन का, हजरत हसन किससे मंसूब है आज का दिन? हजरत इमाम हसन। सही आपका जवाब, बिल्कुल सही। ओके, और अगला सवाल ये कि उनसे मंसूब है आज का दिन, तो मतलब क्या हुआ था आज के दिन? बी यौमे पैदाइश, यौमे विलादत। बिल्कुल सही जवाब। ऑलराइट, ठीक है जनाब, ज़ुहेब अशरफी साहब करेंगे अगला सवाल। सर लम यादीन दीरू काफी नदारिन, मिसले तो ना शुद पैदा जा, जगरा को ताज तोरे सर सो है तुझको शहे दो सरा कलाम के शायर का नाम बता सके तो? जनाब ऑप्शन दे दीजिए, मेरा ख्याल है ये ए आला हजरत। जवाब दुरुस्त है, क्या बात है, जबरदस्त। टीम ए ने दोबारा एंट्री मारी है 40-80। मोहसिन भाई, कुरान पाक में बहुत सारे कसाइस हैं लेकिन एक किस्सा जिसको अहसनुल कसस कहा जाता है, ए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। जवाब दुरुस्त है। राइट जनाब, कुरान पाक में एक लफ्ज है वल यतलत्तफ, कितनी बार आया है? एक बार। जवाब दुरुस्त है। ऑलराइट, अच्छा जब हम कुरान पाक की तिलावत करते हैं तो ये इसको थोड़ा बोल्ड करके लिखा हुआ है, क्या वजह है उसकी? कुरान मजीद के बिल्कुल मिड में है ये। जवाब दुरुस्त है। सही, ये कौन सी सूरत है? जनाब ऑप्शंस दे दें। अच्छा बदर बजा दिया जी, सूरह बनी इसराइल। नहीं, गलत हो गया जवाब। गलत हो गया। दो ऑप्शंस दे दें। दो ऑप्शन दे रहा हूँ, सूरह तौबा या सूरह कहफ। बी सूरह कहफ। जवाब दुरुस्त है। नहीं। और ये लफ्ज कुरान पाक के किस पारे में आया है? हाँ ऑप्शन दे दें जी जी, 15वां पारा या 21वां पारा? किसने में ए ने 15वां पारा। जवाब दुरुस्त है। हाँ ओके, ऑफ कोर्स मिड में है ना, तो मतलब इसी 15वें। इस लफ्ज के माना क्या है, मुरादी माना मफहूम बता दें कुछ? वल या तलत्तफ, तलत्तफ फरमाना जी, गुफ्तगू के हवाले से, नरमी नरम मिजाज गुफ्तगू, नरमी नरमी से बात करना, तलत्तफ फरमाना। लुत्फ सही है, जबरदस्त। जनाब वसीम वसीम साहब, वाह क्या जो दो करम है, सुभान अल्लाह, शेह बता तेरा, अगली लाइन कोई कंप्लीट कर सके? नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, क्या बात है, वाह। इस कलाम के शायर का नाम अगर कोई? जनाब पीर नसीरुद्दीन नसीर। जवाब गलत है। माम अहमद रजा खान। हाँ जी, सो 90-90 और -10 पे हमारा पहला राउंड खत्म हुआ है। ए और बी बिल्कुल बराबर है। पहले आपसे शुरू करते हैं, तस्वीर दिखाएंगे तीन आपको, सही पे +10, गलत पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। वक्त कम और मुकाबला थोड़ा सा जरा सख्त है। आइए जनाब पहले सी को दिखाइए पहली तस्वीर के, ये कौन है जनाब? हाँ जी, मशहूर व मारूफ नात या शायर है, फासलों को तकल्लुफ है हमसे, अगर इन्होंने लिखी हम भी बेबस नहीं बेसा, हमको इकबाल जब भी इजाजत मिली
हम भी आका के दरबार तक जाएंगे. तो इकबाल, क्या नाम इनका पूरा? 5, 4, 3, 2, 1. एक जनाब इकबाल अजीम साहब हैं. अगली तस्वीर दिखाइएगा. ये ईरान के मौजूदा सदर हैं, ईरान के 8वें सदर हैं ये, ईरान के फॉर्मर चीफ जस्टिस भी रहे. 5, 4, 3, 2, 1. ये हैं जनाब इब्राहिम रईसी. और आखिरी तस्वीर दिखाइएगा. ये झंडा किस मुल्क का है? उसकी एयरलाइन भी बड़ी मशहूर है. कतर एयरवे. कतर एयरवेज का झंडा नहीं, कतर का झंडा. सही आपके जवाब, सही. देखें ये भी इससे कामयाबी है. किसी मुल्क का एक इदारा इतना मशहूर हो गया कि वो पूरे मुल्क, पूरी दुनिया में उस मुल्क की पहचान बन गया. कि मैंने भी ये कहा कि इसकी एयरलाइन मशहूर है, आपके मुझसे कतर एयरवेज निकला, तो ये बड़ी बात है. कभी अगर आप PIA की दास्तान सुने तो आप सर पीटेंगे कि किस तरह एमिरेट्स को PIA ने बनाया, किस तरीके से सारे दुबई के जो शेख थे और सब वो शुक्रगुजार थे पाकिस्तान के. वो कहते थे कि भाई आप अपने पायलट्स भेजें, अपना क्रू भेजें. PIA के तैयारों को कराची एयरपोर्ट पे रख के रंग करवा के एमिरेट्स के झंडे लगाए गए. जो पहली फ्लाइट उड़ी थी एमिरेट्स की, आज वो किधर हैं और हम क्या है? और ये जो ई के आते हैं एमिरेट्स की फ्लाइट में, होता है ना. नहीं भाई, सवाल नहीं कर रहा, थोड़ा अपने जज्बात निकाल रहा हूँ मैं. ई के एमिरेट्स की हर फ्लाइट के आगे आता है EK 502 EK. ये इसलिए है कि एमिरेट्स टू कराची है, चूंकि पहली फ्लाइट कराची में थी. है लेकिन फिर उसके बाद चरागों में रोशनी न रही. सर आपसे हैं अगले 3 सवाल, यानी कि बी. दिखाइए पहली तस्वीर. हाँ जी, ये कौन है? ये सब तुम्हारा कर्म है आका के बाद अब तक बनी हुई है. हाँ, बहुत मशहूर मारूफ नाम है, उनका नाम अभी आया भी है. 5, 4. अदीब रायपुरी. गलत हो गया जनाब. ये है खालिद महमूद नक्शबंदी साहब. जनाब अगली तस्वीर दिखाते हैं आपको. दिखाइएगा जनाब. महातीर मोहम्मद. महातीर मोहम्मद, बिल्कुल सही है आपका जवाब. बतौर मजमुई 24 साल तक हुक्मरानी की है मलेशिया में महातीर ने. और अगली तस्वीर, आखिरी तस्वीर दिखाएगा. ये किस मुल्क का झंडा? इजिप्ट. इजिप्ट. इजिप्ट का नहीं, यमन का है ये, यमन का. ओके चले, आखिरी 3 तस्वीर दिखाएंगे हम आपको, यानी के ए को. जहाँ पहली तस्वीर दिखाएगा. अरे भाई, मुफलिस जिंदगी अपना समझे कोई, मुझको इश्क नबी इस कदर मिल गया. 5, 4. हाँ कोई तो है जो निज़ाम हस्ती. 3, 2, 1. बड़ा आसान था. मुजफ्फर वारसी साहब, बहुत आसान था ये. अच्छा जनाब, अगली तस्वीर दिखाइएगा. कोई तो है जो निजाम हस्ती के बाद तो बड़ा आसान हो गया था. जनाब अली रजब तैयब. बिल्कुल सही है आपका जवाब. ऑलराइट. और ये झंडा किस मुल्क का है जो अभी आ रहा है? अरब रियासत, अरब हाँ कह सकते हैं, ओल्डेस्ट इंडिपेंडेंट स्टेट. 5, 4, 3. कुवैत. गलत, ये है ओमान. इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी बिल्कुल बराबर हैं, 100 और 100 पर. अच्छा 45-45 कर लें हम, 24 तक हो जाएंगे. 45-45 सेकंड कर लें जल्दी से. पहले 45 सेकंड है आपके, ठीक है जनाब. और आपके 45 सेकंड शुरू होते हैं सी. अब जापान ने किस पाकिस्तानी खिलाड़ी के लिए टिकट जारी किया? इमरान खान या जहांगीर खान? जहांगीर खान. ठीक. 1973 का आइन, भुट्टो या बेनजीर? बेनजीर. गलत. पाकिस्तान ने IMF से पहला कर्जा 1958 या 2008? 1958. ठीक. आयरलैंड में कौन सी जबान, जर्मन या आयरिश? आयरिश. ठीक. कौन सा हार्मोन इंसानी खून में शुगर कंट्रोल करता है, हीमोग्लोबिन या इंसुलिन? इंसुलिन. ठीक. पाकिस्तान में यौम बहरिया 8 सितंबर या 14 अगस्त? 8 सितंबर. ठीक. जबूर आजम और जावेद नामा इकबाल या जॉन एलिया? इकबाल. ठीक. कैंगरूस स्वीडन या ऑस्ट्रेलिया? ऑस्ट्रेलिया. ठीक. पाकिस्तान के पहले वजीर आजम कायद आजम या लियाकत अली खान? लियाकत अली खान. ठीक. शुएब अख्तर की तेज तरीन गेंद 161 या 261? 161. ठीक. पोलियो की वैक्सीन ईजाद हुई 1950 या 2010? 1950. ठीक. सिफर का अंसा ईजाद किया ख्वारिज्मी ने या अबू अली सीना ने? बू अली सीना. गलत. ओके. इस वक्त 100, 100 और 100 है तीनों के. अच्छा जनाब, लेकिन अब है अगले. आप दोनों बिल्कुल सेम जगह पे खड़े हैं, तो दोनों के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है. हमने टाइम कर दिया है 45 सेकंड्स. किससे पूछूं? आपसे पूछ लेता हूं. ए से. पहले 45 सेकंड है ए आपके, और आपके 45 सेकंड शुरू होता है सर. अब भारत में सानेहा गोल्डन टेंपल 1984 या 1994? 84. ठीक. 2004 में कौन 2 माह के लिए वजीर आजम, शेख रशीद, चौधरी शुजात? चौधरी शुजात. ठीक. सूरह आजाब, आजाब यानी धुआं या ग्रोह? ग्रोह. ठीक. 1963 में अमरीकी सदर कत्ल हुए, जॉन एफ कैनेडी या अब्राहम लिंकन? कैनेडी. कैनेडी. ठीक. नॉवल जिंदगी गुलजार है परवीन शाकिर या उमेरा अहमद? उमेरा अहमद. ठीक. ताशकंद अफगानिस्तान या उज़्बेकिस्तान? उज़्बेकिस्तान. ठीक. उर्दू नॉवल राजा गिद बानो कुत्सिया या अशफाक अहमद? बानो कुत्सिया. ठीक. फिडल कास्ट्रो कनाडा या क्यूबा? क्यूबा. ठीक. कीमियाए सआदत इमाम गजाली या अलबेरूनी? अलबेरूनी. गलत. हिटलर की पार्टी नाजी या डेमोक्रेटिक? नाजी. ठीक. वियतनाम का दारुल खिलाफा हनोई या कोपेनहेगन? फर्स्ट ऑप्शन. ठीक. पाकिस्तानी डाक के पहले टिकट को किसने डिजाइन किया, अब्दुल रहमान चुगताई या अब्दुल रहमान अली?
अब्दुल रहमान अली गलत। ओके सर आपके 45 सेकंड हैं और आप ये सोचे बगैर कि आपने कितने सही जवाब देने हैं बस खेलें, ठीक है जनाब। आपके 45 सेकंड का वक्त शुरू होता है सर। अब गर्दन में हड्डियां तकरीबन 7 या 70? 7 थी। एडोल्फ हिटलर हलाक हुआ खुदकुशी से या कत्ल? खुदकुशी थी। चीचा वतनी पंजाब या सिंध? पंजाब थी। रोशनी का सबसे बड़ा जरिया बिजली या सूरज? सूरज थी। आवाज किस चीज में सफर नहीं करती, समंदर या खला? खला थी। अव्वल गोल्ड मेज कॉन्फ्रेंस 1930 या 1970? 1930 थी। कलर्स में कितने प्राइमरी कलर्स, 3 या 103 थी। तकसीम स्क्वायर पाकिस्तान या तुर्की? तुर्की थी। दुनिया का पहला मोबाइल फोन मोटरोला या सोनी? सोनी गलत। दुनिया में सबसे ज्यादा कॉटन इंडिया या दुबई? इंडिया थी। कौन सी चीज बिजली ज्यादा इस्तेमाल करती है, आयरन या वॉशिंग मशीन? आयरन थी। रेक्टेंगल को उर्दू में मुस्ततील या मुसलस? मुसलस गलत। आरियाना एयरलाइंस कतर या अफगानिस्तान? अफगानिस्तान ठीक। मुल्क कतर की करेंसी कतरी दिनार या रियाल? कतरी दिनार गलत है आपका जवाब। क्या हुआ जी, आपके नंबर है 100, आपके नंबर है 200, कौन जीता आपके ख्याल में? टीम बी जीत गई। आपके ख्याल में आप कितने नंबर है? पता नहीं, कुछ नहीं पता। आपके नंबर है 210, एक सवाल के मार्जिन से आज का मुकाबला आपने जीता। बहुत बहुत मुबारक को, दोनों बहुत अच्छा खेला था इन्होंने, खासतौर पर आप दोनों ने, वेल डन। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं इंशाल्लाह।